तो गुड मॉर्निंग मेरे यारो, मेरा नाम है शिवम और आपको स्वागत है मेरे चैनल बनी ट्रैक में। तो सुबह हो चुकी है, अराउंड 6:30 के अराउंड हो रहे हैं और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए थोड़ा सी वॉक कर रहा हूँ। और आज हम जहाँ जाने वाले हैं उसका नाम है लक्ष्मणपुर बीच और एक जगह और जाएंगे हम, हावड़ा ब्रिज। तो आज का यही प्लान है और शाम की हमारी फेरी है तो हम वहाँ भी जाएंगे वापस पोर्ट ब्लेयर, और फिर अगली सुबह 12 बजे हमारी फ़्लाइट है। तो यहीं पर ही टूर ख़त्म हो जाएगा हमारा और हम वापस अपनी उसी ज़िंदगी में लौट जाएंगे। तो टाइम हो गया चेकआउट का और अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। अभी ब्रेकफास्ट करने जाते हैं और उसके बाद हमारी टैक्सी आ जाएगी तो फिर हम जाएंगे, आज का टूर स्टार्ट करेंगे फिर हम। सो गाइस, मैंने अभी ब्रेकफास्ट में लिया है ब्रेड विद बटर, ब्रेड विद जैम, छोले भटूरे एंड कॉफ़ी। तो मेरे यारो, हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट और हमारी कैब भी आ गई है। ये यहाँ का रेस्ट्रो है एरिया। मौसम बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। हम पहुंच गए हैं भरतपुर बीच और इस साइड एक मैप है, ये एक मैप है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अब थोड़ी वॉकिंग के लिए, इस बीच की वॉकिंग के लिए। ये काफ़ी दूर तक गया हुआ कॉर्नर तक, तो थोड़ा घूम के देखते हैं कि व्यू कैसा है। व्यू किसी भी बीच पे चले जाओ आप, व्यू कमाल का ही है। और यहाँ पे देखिए बल्ब का साइज, कितना बड़ा बल्ब है ये। और पानी इतना क्लियर है ना, इतना साफ पानी है, बट नमकीन पानी है, पूरा मुंह कड़वा हो जाता है अगर पानी मुंह में चला जाए, आँख में भी चला जाता है पानी, तो आँखें भी जलने लगती हैं, बट देखकर इतना अच्छा लगता है पानी में। हमारी बोट आ गई थी 1 बजे और हम कर रहे थे स्कूबा डाइविंग, तो जो बोट वाला वो बोलता मेरे फादर को वो कि आप उनको बुला के लेके आओ। तो मेरे फादर बोलते कि मैं उनको कैसे बुलाऊं, वो तो नीचे स्कूबा करने के लिए गए हुए हैं। तो कहता फ़ोन मिलाओ। तो कहते फ़ोन कैसे मिलाओ, स्कूबा डाइविंग के लिए गए हुए, कह रहे जो वहाँ पे स्कूबा कर रहे हैं उनको बोल दो कि अगर वो हम नीचे उनको मिले तो वो बोल दे कि हम ऊपर उनका वेट कर रहे हैं। तो हाउ फुलिश इज, तो ऐसा भी होता है। और अगर मैं एक जगह खड़ा हो जाऊँ तो ये झूलने को पूरा मिलता है यहाँ पे, और व्यू तो कमाल का है ही। जो पीछे आपको मेरे यारो, उधर पीछे वहाँ वो डेक दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ही आई थी हमारी शिप जो है, जिस उससे फेरी से हम आए थे, और उसके बगल में ही है भरतपुर बीच। तो अगर आप यहाँ पे आओ दिन के टाइम या मॉर्निंग के टाइम, तो आप डायरेक्ट, अगर आप अलोन आते हो और आपने कुछ बुक नहीं करा हुआ, जैसे होटल बुक करा हुआ है, टैक्सी वगैरह बुक नहीं करी है, आप यहीं पर आके कोई स्कूटर रेंट पर लेना चाहते हो या फिर साइकिल भी मिल जाती है यहाँ पर रेंट पर, मैंने पीछे देखी थी साइकिल भी मिल रही थी रेंट पर। अगर ये बहुत बड़ी लहर थी, मैं पूरा ऊपर से, तो मैं क्या करता, तो आप इस डेक के बगल में ही है भरतपुर का बीच, तो आप पहले वो देख लीजिए। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कराने को कराते हैं ये सब, कि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक नई चीज़ है स्नॉर्कलिंग, वो एलिफेंट बीच पे बंद करी हुई थी क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया इंसिडेंट हो गया था, बट यहाँ पे करा रहे हैं। उसका प्राइस 800 रुपये है और यहाँ पे एक पैकेज है 1800 रुपये का कुछ, उसमें आपको चार चीज़ देते हैं, उसमें चार चीज़ है आपकी, स्नॉर्कलिंग, मैग्नीफाइंग ग्लास, एक बनाना राइड है और एक जेट स्की।
तो देखते हैं बार्गेनिंग करके, अगर यहाँ पे बार्गेनिंग हो जाती है तो मैं ज़रूर करूँगा स्नॉर्कलिंग और एक बनाना राइड, ये दो राइड मेरे को करनी है। बाकी आप यहाँ पर पहले आइए भरतपुर, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। पीछे मेरे लोग यहाँ पे बड़ी मस्ती कर रहे हैं, आ रहे हैं पानी के अंदर मज़े ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं भी लूँगा, बट मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा वॉकिंग कर रहा हूँ। पर मैं तो सोचता हूँ मैं अपने फैमिली वालों को भी यहीं बुला लूँ, क्योंकि फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी यहाँ पर। सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, इन्होंने ब्लू कलर का ऐसे पुल आगे तक फैला रखा है, तो आप अगर जाना चाहें उस कॉर्नर तक जा सकते हैं। मैं जाऊँगा थोड़ी देर बाद उस कॉर्नर तक, बट वीडियो बनाते हुए नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा फ़ोन पानी में गिरे या मैं पानी में गिरूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं है, आई थिंक मेरे यहाँ तक ही होगा, इसलिए डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। बस पानी के अंदर पैनिक नहीं होना, अगर आप पानी के अंदर गिर जाते हैं तो, अगर आप पानी के अंदर पैनिक होते हैं तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और आप सोच नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते। तो जैसे अगर आप पानी के अंदर जाते हैं और कोई लहर आती है और अगर आप उसके अंदर गिर जाते हैं तो घबराइए मत, अपने आप को काम रखिए और खड़े होने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर पानी आकर आपके कमर तक ही है तो आप डूबेंगे नहीं, बट अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली डूब सकते हैं उस कमर तक के पानी में भी। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। पर वहाँ और ये जेट स्की देखिए, एकदम वहीं पर ही हो रही है और लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा कर रहे हैं, और आप लोग भी आएंगे तो आप भी इतना ही मज़ा करेंगे, मेरे को पूरा यकीन है, क्योंकि ये एक तरह से मेरे को जन्नत लग रही है। और देखो बनाना राइड कुछ इस तरह की होती है, वो देखो वहाँ पर है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो मैं देखता हूँ, ऐसा कुछ बनाना राइड है। हम इसके ऊपर बैठ जाएंगे और ये पानी के ऊपर तेज़ी से जाएगी आई गेस, और पानी आपके ऊपर नीचे वगैरह वगैरह होता रहेगा। तो मैं अपनी फैमिली वाले को बुला लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद मिलते हैं मेरे यारों। आपको मैं इससे अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊँगा और अच्छे अच्छे अच्छी टाइम लैप्स दिखाऊँगा, तो आप मेरी वीडियो इसी तरह देखते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए मेरे को, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही मैं इतनी अच्छी वीडियोज़ बना पाता हूँ, ये सब हमारा और आप लोगों का ही है। तो चलिए मेरे यारों थोड़ी देर में मिलते हैं। मेरे यारों मैं आ गया हूँ पूरे एंड पे इस ब्रिज के, देखिए कितना लंबा ब्रिज है ये, और बिल्कुल एंड पे आके बहुत मज़ा आ रहा है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। ये तुमने क्या किया? तो ऐसे कुछ इतना मज़ा आ रहा झूला झूलने में, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये इतना मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, मुँह से बोलने के लिए इसका मौन भरता था, इसको मना किया गया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो नीचे मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करिए और मेरे को बताइए कि और मेरे को क्या क्या करना चाहिए और मेरे को कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बनी ट्रैक में, नीचे आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस जब आएँ तो आपको सबसे पहले पता चले। तो गुड बाय मेरे यारों।